Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a problem on inverse Laplace transform. इसके पहले वाले वीडियो में याद होगा हमने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसे आज डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x² + 1 का होल स्क्वायर. और हमने कहा था कि इन्हीं दोनों थ्योरम को यूज़ करके हम उसको निकाल सकते हैं. पहला थ्योरम था इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू f(t) देन लाप्लास इनवर्स ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ fs इक्वल टू -1 to the power n e to the power n f(t). और दूसरा एक थ्योरम था कि l इनवर्स f(s) / s इक्वल टू 0 to t fu du. इन्हीं दोनों थ्योरम को, और ये दोनों थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहले वीडियो में, इसके पहले वाले और उसके भी जस्ट पहले वाले में, तो उसको अब देख लेंगे पहले. फिर तो सारी चीज़ें एक क्रम से है, अगर उस तरीके से आएंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये वीडियो कोई हेल्प नहीं करने वाली है. तो ज़रूरी है कि आप एक क्रम से पढ़िए सारी चीज़ें, प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा क्रम से आइए. तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये कौन सा टर्म है. ये टर्म खुद ही बताएगा कि हमें किस रास्ते जाना है. यहाँ पर दिख रहा है लाप्लास इनवर्स है 1/s² + 1 का होल स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स 1/s² + 1 होता है sin t. तो ये अगर हम सोच पाएँ तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे. एल इनवर्स 1/s² + 1 होता है sin t. अब यहाँ से दिख रहा है कि ये एक तरह से fs जैसा हो गया. ये क्या है, ये fs, और ये वाला टर्म हो गया f(t) के जैसा. तो हम बड़े आराम से ये थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, l इनवर्स f(s). तो l इनवर्स f(s) इक्वल टू f(t), एंड देन इतना हम लिख सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं l इनवर्स, और इसको हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. यहाँ स्क्वायर ही लाना है तो एक बार डेरिवेटिव काफ़ी है, तो इसको हम लिख लेंगे f(s) इस तरीके से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/ds f(s), या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l इनवर्स d/ds. और यहाँ पे fs हमने क्या माना है, इस टर्म को fs माना है, तो ये हो जाएगा 1/s² + 1 सो अब यहाँ हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा -1 to the power 1 t to the power 1. और f(t) क्या है, f(t) हमारे यहाँ पे sin t है, तो यहाँ हो गया सिंपली sin t. ये हम लिख लेंगे बाय यूजिंग थ्योरम, ठीक है, या आप लिखेंगे तो ये पूरा उतार देंगे वहाँ पे क्वेश्चन के बगल में यहीं पे. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एल इनवर्स तो यहाँ पे डिवीज़न रूल लग जाएगा, डेरिवेटिव हमें करना है, तो इसका आ जाएगा -2s/s² + 1 का होल स्क्वायर. क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सिंपल डेरिवेटिव है d/ds 1/s² + 1. जब हम डिवीज़न लगाएंगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे माइनस करके, -2s हो जाएगा और s² + 1 का होल स्क्वायर. इधर हो जाएगा -t, क्योंकि इतना डेरिवेटिव तो एक्सपेक्टेड होता है आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, तो -t और sin t, ठीक है. अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स s/s² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू t sin t, ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2s है, ठीक है. तो चाहे तो हम इस 2 को भी नीचे ले सकते थे, तो यहाँ पे बल्कि ना लिखे 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, t/2 हो जाएगा, t/2 sin t, ठीक है. अब क्वेश्चन देखिए, l इनवर्स 1/s² + 1 का होल स्क्वायर हमें चाहिए यहाँ, और यहाँ क्या है, l इनवर्स s/s² + 1. तो अगर हम इस पूरी वैल्यू को अब f(s) माने, और इसको पूरी वैल्यू को हम मान लें क्या f(t), क्लियर.
तो अगर हम एफ ऑफ एस इसको मानेंगे, तो अगर एफ ऑफ एस में हम डिवाइड कर लें एस से, तो हमारा ये एस कैंसिल हो जाएगा और ये एस कैंसिल होते ही हमें आंसर मिल जाएगा लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये एस इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यही चीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये कहाँ से हमें मिलेगा, इस थ्योरम से। सो यूजिंग अनदर थ्योरम We can write, हम क्या लिख सकते हैं, L inverse F of S upon S। तो यहाँ पे क्या है, L inverse F of S हमारा ये पूरा है S upon S square plus 1, और upon में S करेंगे तो ये S हमारा cancel हो जाएगा। तो हम simply लिख लेते हैं 1 upon S square plus 1 का whole square, क्योंकि ये S और ये S cancel हो जाएगा, इस एस से कैंसिल होगा। और यही हमारा क्वेश्चन भी है, एल इनवर्स एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा, जीरो टू टी एफ यू डी यू। यहाँ पे एफ टी क्या है, टी साइन टी। तो हम यहाँ पे अगर एक्स के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, जीरो टू टी एक्स साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। अब ये दो पार्ट दिख रहा है, सिंपल सा हमें इंटीग्रेशन करना है और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो उस पर हम बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो x और साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x, देन माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 होगा, फिर साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x, देन डी एक्स, और लिमिट है 0 to t। क्लियर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस, यहाँ पे एक्स भी होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और लिमिट है 0 to t। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस ऑफ टी प्लस साइन टी, माइनस करेंगे जीरो अप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा एक्स की वजह से, और ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का मान जीरो होता है। तो हमें रिजल्ट मिलेगा यही फाइनली। तो ये हो गया एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा रिजल्ट, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते ये दोनों थ्योरम हमें पता हो एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ है एक दूसरा थ्योरम, यहाँ यूज हुआ है और पहला वाला थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे जब हम डी बाई डी एस किए हैं तो हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, जब हम डिवीज़न रूल लगाए हैं तो हम दूसरे थ्योरम को यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है जो बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उससे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस यूनिट का। और एक क्वेश्चन आते हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर आते हैं, जो हमें फंक्शन मिलेगा वो इस थ्योरम में सेट नहीं हो पाएगा। जैसे ये तो हो गया सारा कुछ, तो इस थ्योरम के बेसिस पे हम कर लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें एक या दो पार्ट होंगे एक साथ, तो उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसको हम अलग अलग उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरह के कुछ क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर और ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 9। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे तो बिल्कुल हमें पार्शियल ही यूज़ करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ करेंगे, और इन सबको हम सेपरेट करते हैं। याद होगा जब हमने 11th में पढ़ा था, इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते थे, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस
b upon s square plus 1 and c upon s square plus 9। इस तरीके से करके अगर हम सेपरेट कर पाएंगे तो इसको हम बड़े आराम से इसका इनवर्स निकाल सकते हैं जब अलग अलग टर्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से और इस क्वेश्चन में 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का हमें क्या बताना है, लाप्लास इनवर्स। तो ये है पहला क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो इसको ध्यान से देखिए, तो ये क्वेश्चन थ्योरम से भी हो जाएगा, जो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ा है उससे भी हो जाएगा, क्योंकि इस थ्योरम में हमें अगर हम ये वाला थ्योरम यूज करें, एफ एस अपॉन एस 0 टू टी एफ यू और डी यू, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम सिंपली कंसिडर कर लेंगे कि चूंकि एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं क्या, एस स्क्वायर प्लस 1 होता है साइन टी, तो ये हो जाएगा एक तरह से हमारा एफ ऑफ एस और ये हो जाएगा एफ ऑफ टी। ठीक है, तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी अगर है तो हम यहाँ पे बड़े आराम से एफ ऑफ एस यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है सिंपल, एल इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एस अब नीचे आएगा 1 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से, तो ये हो जाएगा इक्वल 0 टू टी और यहाँ से हम लिख लेते साइन एक्स और डी एक्स। तो इसमें एक बार एस आया, फिर जो भी आता लास्ट में फिर एक बार और हम एस एफ बाई एफ एस बाई एस कर लेते, फिर हम इसको क्या मान लेते, इसको फिर से एफ एस मान लेंगे और नेक्स्ट में हम फिर से डिवाइडेड बाई एस करके इस थ्योरम को यूज़ करके हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ये काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन तो एकदम इसी तरीके से होंगे ही, इस थ्योरम को यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन ये थ्योरम से क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं। तो अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएँ तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ट्राई कर लें, जो दूसरे तरीके से आंसर आएगा वही इस तरीके से भी आएगा। तो देखते हैं बिना थ्योरम के हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लाप्लास हमें बताना है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन एस स्क्वायर और नीचे है एस स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एस स्क्वायर प्लस b अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला हमारा मेथड है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस b एस स्क्वायर। ऐसे हमने a और b की वैल्यू फाइंड करते थे, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, यहाँ LCM लेंगे तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, ये और ये, तो इसके साथ ये आएगा और इस b के साथ ये टर्म आता है। ठीक है, तो अगर हम पुट करें s स्क्वायर इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू a, क्लियर, यहाँ पे हम 0 ही रखे हैं, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इफ़ वी पुट s स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो हमें a मिल गया, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 1, तो सिंपली हमें यहाँ पे मिल गया 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ें आप चाहें तो शो करें या फिर आप डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम इसका लाप्लास इनवर्स निकालते हैं तो हमें सिंपली लाप्लास इनवर्स इसका निकालना होगा। तो इसका लाप्लास इनवर्स बताना बहुत आसान है, इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर का टी हो जाएगा, हम पहले सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो इसका हो जाएगा एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर का क्या होगा, सिंपली टी और ये हो जाएगा माइनस साइन टी। तो इस तरीके से ये कितना आसान रहा, तो यही रिजल्ट हो गया इसका, एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी माइनस
साइंटी। तो पहले क्वेश्चन का यही रिजल्ट है, क्लियर। तो इस तरह से कितना आसान है, अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करके सेपरेट कर पाए टर्म को, तो बड़े आसानी से हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि इसको आप उसी थ्योरम वाले मेथड से भी करके चेक करें कि क्या इतना ही आंसर आता है, और फिर देखें कि वो कितना टाइम कंज्यूम करता है और ये कितना आसानी से हो गया। और एक और काम हम छोड़ रहे हैं, 1/s² और s² + 1 s² + 9 को हम इसी तरीके से सेपरेट करेंगे, a/s² + b/s² + 1 और c/s² + 1। तो इससे यहाँ एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, जो हमने 11th में पढ़ा है, तो एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे पीछे क्लास से। तो यहाँ से हम पहले सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स करके जो सेपरेट टर्म होगा उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आप अपने से कर सकते हैं, नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं कि लास्ट इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसका आंसर है t/9 - 1/9t - 1/8 sin t और प्लस 1/36 sin 3t, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, 1/9t, 1/8 sin t + 1/36 sin 3t। तो ये लाना है इस क्वेश्चन में। तो ये भी होमवर्क समझिए इसको भी, ठीक है। कमेंट करके बताइए कहीं प्रॉब्लम है या फिर ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।